बीजेपी एमएलए हेमंत बिस्वा शर्मा ने 6 नवंबर को एक वीडियो ट्वीट किया। उन्होंने दावा किया कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के चीफ और धुबरी लोकसभा क्षेत्र से सांसद बदरुद्दीन अजमल के स्वागत में लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए लिखा कि ये कांग्रेस को पूरी तरह से उजागर करता है जो इस तरह की ताकतों के साथ गठबंधन कर इन्हें प्रोत्साहित कर रही है। आपको बता दें कि AIUDF कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियों के साथ मिलकर 2021 में असम विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी सांसद डॉक्टर राजदीप रॉय ने भी ये वीडियो ट्वीट करते हुए ऐसा ही दावा किया। CNN न्यूज 18 की कॉरेस्पॉन्डेंट पायल मेहता ने भी ये वीडियो ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि AIUDF के चीफ बदरुद्दीन के सिलचर एयरपोर्ट पहुंचने पर भारत विरोधी नारे लगे। पत्रकार अटानु भुया ने भी ऐसा ही एक ट्वीट किया। मीडिया आउटलेट न्यूज लाइव ने भी इस खबर को रिपोर्ट किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि वायरल हुए एक वीडियो में बदरुद्दीन अजमल का स्वागत करते हुए लोगों को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए देखा गया। यहां ये भी बता दें कि ये चैनल यानी न्यूज लाइव बीजेपी एमएलए हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी चलाती हैं। टाइम्स नाउ ने भी ये वीडियो दिखाया और ये दावा किया। हालांकि चैनल ने यह भी बताया कि मूल दावा असल में बीजेपी का है और AIUDF इसे राजनीतिक साजिश बता रही है। असल में ये सभी दावे गलत है। वीडियो को ध्यान से सुनने पर पता चलता है कि इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं बल्कि अजीज खान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। हमने इसी वीडियो का एक दूसरा वर्जन ढूंढा जो कि 5 नवंबर को फेसबुक पर अपलोड हुआ था और ये ज्यादा क्लियर है। इस वीडियो में अजीज खान जिंदाबाद के नारे ज्यादा स्पष्ट सुनाई देते हैं। अजीज खान असम में AIUDF से जुड़े हुए हैं और करीमगंज साउथ से विधायक हैं। हमने देखा कि AIUDF के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो के जरिए यह स्पष्ट किया गया है कि एयरपोर्ट पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं बल्कि अजीज खान जिंदाबाद के नारे लगे थे। देखिए, आज सुबह से एक न्यूज हम लोग न्यूज लाइव में देख रहे हैं कि जो न्यूज लाइव का मालिक हेमंत बिस्वा शर्मा साहब है और इस न्यूज में एक बात आ रहा है कि हमें पाकिस्तान जिंदाबाद मौलाना बदरुद्दीन अजमल के साथ में हम लोग एक हाई लेवल कमिटी बराक्स ये सफर में आए हैं। इसमें ये लोग चाहते हैं कि ये जो हमारा वर्कर था, जो हमारा सपोर्टर था, ये लोग बदरुद्दीन अजमल साहब जिंदाबाद, AIUDF जिंदाबाद और जिस कोई MLA भी है, कोई प्रार्थी भी है जो चाहने वाला है टिकट, इन लोगों का सपोर्टर भी, उन लोगों को नाम को भी जिंदाबाद दिया। तो इसमें हमारा करीमगंज साउथ का एक MLA है अजीज खान, इसका नाम पे इनका वारकर जिंदाबाद दे रहा था। तो ये इशू लेके अभी देख रहा हूँ कि न्यूज़ लाइफ ने इसको पाकिस्तान बढ़ा रहा है। तो कल भी पाकिस्तान, वो हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बात बोला कि हमें पाकिस्तान बदरुद्दीन अजमल का कैबिनेट पाकिस्तान में होगा या बांग्लादेश में होगा। तो ये पाकिस्तान का साथ जोड़ने के लिए कोशिश है, ये एक पॉलिटिकली एक षड्यंत्र है जिसके षड्यंत्र से ये जो ग्रैंड अलायंस हमें होने जा रहा है, यो कांग्रेस का साथ, UDF का साथ और लेफ्ट पार्टी का साथ और बहुत सारे पार्टी मिलके वो ग्रैंड अलायंस में एक ऐसा एक माहौल बनाए कि इसकी ये जो अलायंस टूट जाए। और हमने MLA अजीज खान से भी बात की। उन्होंने बताया कि वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे थे। जब AIUDF चीफ आए तो उनके साथ और भी विधायक वहां मौजूद थे और सभी के नामों के नारे लगाए गए। हमने उनसे पूछा कि क्या वो उस वक्त की कोई तस्वीर भेज सकते हैं। इस पर उन्होंने एयरपोर्ट पर मौजूदगी की एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में अजीज खान को देखा जा सकता है। इस तरह बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा और मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग ये गलत दावा कर रहा है कि सिलचर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, जबकि असलियत ये है कि वहां MLA अजीज खान जिंदाबाद के नारे लगे थे। और इस फैक्ट चेक के पब्लिश होने, शेयर किए जाने के बावजूद बीजेपी IT सेल के मुखिया अमित मालवीय इस गलत दावे को शेयर कर रहे हैं।